tell us what the after party look like, in the sense, because it's been up last year fourth, ESL almost qualified, and now you kind of lifted the trophy. कैसा रहा रात? क्या planning रही? कैसे post game का आपके reactions? Post game का normal था, क्योंकि जैसे अभी final पहुंच ही है, तो हमारे यही था कि एक और एक game सोच के खेलना है next game, और simple रखना है, जो result के लिए हम सोचेंगे नहीं, हम अपना 100% देंगे ही था. और जब 100% दे दिया, उसके बाद क्या जश्न मनाया? उसका जो होता है नेचुरली इमोशन एंड ऑल, तो मज़ा आया. लाइक जब पता चला हम चैंपियन बन गए इस साल, एंड सब खुश खुश थे, जो भी फैंस एंड प्लस फैमिलीज एंड पूरा टीम इतना खुश थे, और फर्स्ट कप हमारे लिए, तो मज़ा आया. कैन यू टेल अस अबाउट द विनिंग शॉट, फील टू मेक द विनिंग? अच्छा लगता है जब आप एक टीम के लिए विनिंग शॉट लेते हो और वो टाइटल जीत रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. और वो आई थिंक नेचुरली आया था मुझे वो वाला शॉट, क्योंकि फील्डर आप लिया था, ऊपर लिया गया था, और मेरा फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है ऊपर से लॉन्ग एंड ऑल, तो मुझे मिला बॉल मार दी. स्मृति से बात हो रहा था कल आफ्टर द मैच, और उन्होंने बोला कि हमने जब रिचा का एक अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था उसी पिच पे, उसी मैदान पे, तो वो करने के बाद वाला जो सेटिस्फैक्शन था, हमने जाके देखा आप पैरी को गले लग गए सीधा, वो जो सेटिस्फैक्शन था उसके बारे में थोड़ा आपका एकदम इमीडिएट बात, आपका माइंडसेट लाइक उस दिन जो लास्ट अनफिनिश हुआ था, कुछ एक रह गया था पीछे, तो मेरा उसके बाद से एक ही प्लान था कि जो भी मैच आया अब ख़त्म करना है, तो वही था. अभी फिर से मौका मुझे मिला है, भगवान ने दिया था मौका, और वही बात हम लोग कर रहे थे कि इस बार तुझे फिर से मौका मिला तो ख़त्म करके आना है सिर्फ, तो पेरी के साथ वही बात चलती है कैसे करना है, क्योंकि बहुत क्लोज गया था गेम, लास्ट ओवर तक गया था, तो जस्ट हम बात वही कर रहे थे. और जब मैंने शॉट लास्ट शॉट दिया, तो मुझे वो एक फील हुआ कि हाँ लास्ट टाइम ख़त्म नहीं किए थे, वो इस टाइम ख़त्म कर दिए. जो एकदम लास्ट ओवर में पहुंचा, थोड़ा दिल की धड़कने पड़ी कि अरे ये कहाँ पहुंच गए हम, पिछली बार भी यही थोड़ा सा तो बड़ा था, क्योंकि वो लास्ट ओवर तक आई थिंक हम पहले भी ख़त्म कर सकते उसको, बट वो जब लास्ट ओवर तक जाता है तो वो एक प्रेशर बॉलर प्लस बैट्समैन को दोनों के ऊपर ही आता है, तो कुछ भी हो सकता है. और उस मोमेंट में पेरी का क्या रोल था आपको? प्रॉब्ली सच बताओ तो पेरी ने बहुत मुझे काम रखने की कोशिश की, और हमने बहुत डिस्कस की लास्ट ओवर में कि कैसे ख़त्म करना है ओवर, क्योंकि जीतना होना है तो कुछ भी हो सकता है लास्ट ओवर में, तो हमने ये बात की अगर मिलेगा तो अपने जोन गो फॉर हिट, अदरवाइज सिंगल लेके लेके जितना क्लोज ले सकते. आपने आपके बैटिंग के बारे में ज़रा बात करेंगे कि हम अक्सर आपको फिनिशर्स रोल में देखते हैं, लेकिन टचवुड ये ऐसा सीजन रहा है जहाँ पे वो रोल आपने अदा करके काफ़ी सक्सेस पाया है, तो व्हाट वाज द वर्क दैट वेंट बिहाइंड, की माइंडसेट था, टेक्निक थी, क्या सब किया आपने? मुझे बहुत हेल्प भी हुआ था, जैसे लाइक अभी इंडिया सीरीज जो था अभी इंडिया में, उधर बहुत मुझे आई थिंक उधर से बहुत हेल्प हुआ था इधर आने के लिए, और क्योंकि उधर मुझे बहुत जल्दी बैटिंग मिल रहा था, और टेस्ट में भी जल्दी बैटिंग मिल रहा था, तो इनिंग्स खेलना कैसे बिल्ड करना वो भी मुझे उधर से सीखने को मिला होगा, तो उधर से आई थिंक वो मैंने इधर कैरी किया, तो आई थिंक वो इनिंग्स बिल्ड करके ख़त्म करना आई थिंक वो चीज़ मुझे वो लास्ट इंडिया सीरीज से आया जब मुझे आई थिंक हेल्प हुआ होगा. नहीं वो वॉज इट ए टेक्निकल थिंग कि आपको माइंडसेट में कोई एडजस्टमेंट करना पड़ा? टेक्निकल नहीं, मुझे तो माइंडसेट ही होता है, क्योंकि आप टेक्निक आपके पास अगर है तो आप सिर्फ माइंड को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है कि रहना है तो रहना है, फिर जब मारना होगा इस सीजन देखा गया है, मतलब जो युवा भारतीय खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी मतलब कंसिस्टेंसी रहा, और शेफाली वर्मा आई थी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला था भी कंसिस्टेंसी पे उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, आपका भी प्रदर्शन काफ़ी उसी हिसाब से, तो और तो कंसिस्टेंसी के लिए आप लोगों ने, क्योंकि जब आप लोग इंडिया के लिए खेलते हो तो वो थोड़ा सा लैकिंग लगता था शुरू पहले, लेकिन उस पर आपने कैसे काम किया? स्टार्टिंग में जैसे अभी हम उसमें वॉक करते हैं, हम किधर लैग कर रहे हैं कैसे, तो हम उसके ऊपर वॉक करते हैं और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम वही थे कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, अभी कि जो अच्छा कर रहे हैं हम उसको मेंटेन करते चले. सो इट्स मोर माइंडसेट थिंग, नॉट
माइंड सेट वॉज देयर, बट जो हमने बोला कि टैक्टिकल हो सब तो आएगा ही, और अगर आप अपना टेक्निक अच्छा है तो आप माइंड सेट आपको चाहिए होगा, और मेंटली जितना स्ट्रांग रहोगे आप गेम में, क्योंकि ये सब गेम में आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होगा कभी इमोशनली टूट सकते उधर. अच्छा, आप ये जब वो वन रन लॉस हुआ था, एक वीडियो आरसीबी ने पोस्ट किया था जहाँ पे स्मृति आपसे वो टनल में बात कर रही है अकेले में, बता सकती हैं? अभी तो हो गया सीजन, जीत भी गए, बता सकते हो कि क्या क्या बात हुई थी? वैसा कुछ बात वैसा नहीं रहा, वो बोल रहे थे कि नॉर्मल कोई ना, अभी नेक्स्ट जब आएंगे तो फिर तुझे फिनिश करना पड़ेगा, कोई आज नहीं हो गया तो कोई ना तू फिनिश करेगी नेक्स्ट टाइम, वो सब भी बातें था सिंपल सी. राइट, तो आप जब रूम गए थे आपने वो नाइट प्रोसेस कैसे किया, बेसिकली आप क्या कर रहे थे? टाइम लगा उससे वो फैमिली ने हेल्प बहुत किया उसमें, और फ्रेंड्स और प्लेयर्स को बहुत हेल्प किया उन्होंने उधर से, और जैसे सपोर्ट प्लेयर्स ने सपोर्ट किया, बोलता है प्लेयर जब भूल जाओ सर अभी जो हो गया लास्ट नाइट, तो आई थिंक सबका हेल्प वो हेल्प किया मुझे. प्रॉब्लम तो सबका थोड़ा सा होता ही है कि जब आप फिनिश नहीं करते तो एक दिमाग में चलता ही है, बट मैंने वही सोचा कि वो अभी मुझे मिला है, मुझे चांस मिला है कि सबको नहीं मिलता है चांस कि वो महसूस करने का कि लास्ट तक जाने का, तो मुझे वो मौका मिला है, भगवान ने दिया मौका तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो यानी मैं वो ऐसे लेके फिर उसको मूव ऑन किया. आप एलिस पेरी की बात कर रही थी दो तीन मिनट पहले, उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, वो एक लीडरशिप के हिसाब से बिकॉज शी इज अ सीनियर प्लेयर, वो आपके साथ हाँ कैसे बात करती हैं, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रही हैं उनके, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट यहाँ पे भी? ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड वो बहुत अच्छी है, लाइक बहुत हेल्प करती है जैसे भी हो, लाइक ऑन द फील्ड लाइक एज जब फील्डिंग करते हम जैसे सबको लेकर चलती है, और बैटिंग के टाइम बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हम बात करते हैं लाइक क्या कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत हेल्प करते हैं और बहुत नॉलेज है उनका, वो हेल्प करते हैं हमें. पिछले सीजन से लेके इस सीजन तक अगर आप अपने गेम में एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, लाइक आप ओके मैंने इस सीजन में ये करके दिखाया, डजंट हैव टू बी टाइटल या फिर रन्स, पर मेरे टेक्निक में ये इम्प्रूव हुआ, या फिर एक सिचुएशन को हैंडल करने में मैं इतना इम्प्रूव नहीं हूँ, आपके लिए वो टेक अवे क्या होगा इस सीजन? मेरे लिए टेक्निक नहीं होगा क्योंकि टेक्निक मेरा था छोटे से, बट मेरे लिए आई थिंक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे उसको गेम को फिनिश करना है, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इस सीजन में सीखी होगी. इसी नोट पे आप वो फेस को बहुत पीछे छोड़ आए हो, लेकिन एक टाइम था जब एक फिटनेस थोड़ा सा एक कंसर्न बन गया था, हमने आपको एक 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 बार तो टीम से ड्रॉप होते हुए देखा जो कि बहुत हम लोगों को भी शॉकिंग लगा, उस फेज के बाद उससे निकलने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स डाले, आप NCA में थे हमने देखा, क्या क्या एफर्ट्स डाले टू गेट आउट ऑफ एंड टू मेक श्योर कि वो दोबारा कभी एक इशू ना बने कि आपको बाहर बैठना पड़ जाए? आई थिंक वो एक बोलने से मेरे लिए वो एक लाइक अच्छा था क्योंकि मुझे वो एक टाइम जो मिला मुझे मेरे फिटनेस में वॉक करने के लिए, एक महीने का जो गैप मिला मुझे, क्योंकि एज अ प्लेयर आपको ऑफ सीजन मिलता नहीं है, और जब आप ड्रॉप हुए तो वो एक मैं पॉजिटिव नोट में ली थी कि मुझे गैप मिला मुझे वॉक करने के लिए, तो मैंने उसमें वॉक की और मैं अपने कोचेज एंड ट्रेनर से बात की कि क्या करना है कैसे करना है. आई थिंक वो उस टाइम कोचेज एंड ट्रेनर एंड फैमिली ने बहुत हेल्प किया मुझे, सपोर्ट की वो जगह को कैसे आगे चल मूव उसको छोड़ कर फिर मूव ऑन करना है और कैसे अपने फिटनेस को इम्प्रूव करना है. तो क्या आपने न्यूट्रिशन पे काम किया कि पावर पे काम किया कि न्यूट्रिशन तो प्लस मेरे फिटनेस से मैंने काम किया रनिंग में, तो वही था. ओके सर, आप विकेट कीपिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगे, बिकॉज ये टूर्नामेंट में एक अलग रिचा घोष दिखी हमें उस दस्तानों के साथ. मेरा मेनली वही था कि फोकस की जो भी मैं काम कर रही हूँ मैं पूरी 100% दे के करूँ, कीपिंग हो या बैटिंग हो, तो मैंने वही ट्राई की इस पूरे टूर्नामेंट में. ये ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज जो हुआ था काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, और अपोजिशन में जॉर्जिया वेरम थी, एलिस पेरी थी, आप तब उनको किस नज़रिए से देखते थे, और अब जब वो आपके टीम में आई हैं, जब आपके टीममेट्स हैं, तो क्या नज़रिया कुछ बदला क्या रहा? जब हम एक साथ खेलते हैं तब हमें फ्रेंड्स होने ही पड़ते क्योंकि एज अ टीम हम खेल रहे हैं, और जब हम एगेंस्ट में खेलते हैं तो जब
ऑन द फील्ड हम एज अ ओपोनेंट देखते हैं, ऑफ द फील्ड हम लोग एक से दोस्त बन जाते हैं, एज अ टीममेट्स बन जाते हैं, या फिर जितने भी मिले हम फ्रेंड्स जैसे रहते हैं मिलते उससे एक हाँ को नो नो बिकॉज यू सेड दैट ये फ्रेंड्स और ऑपोजिशन के हिसाब से वर्ल्ड कप की बातें कितनी हुई थी ये आरसीबी कैंपेन के दौरान कभी कभी बात होती रहती थी कि एक टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आ रहा है शायद इसके लिए ये करना है अभी तो वो सब बोलने से वो थोड़ा बट सब अपना अपना प्लानिंग करते हैं और सब अपना अपना देखते हैं और आई थिंक ये अच्छा प्रिपरेशन था हमारे लिए वर्ल्ड कप से पहले सबका जैसे अपना इंडियन प्लेयर्स इतने अच्छे परफॉर्मेंस थे इधर तो आई थिंक अच्छा प्रिपरेशन था हमारा पेरिंग के साथ बैटिंग करने के बारे में बात करिए व्हाट इज इट लाइक व्हाट कन्वर्सेशंस यू हैव क्या होता है तब बीच में आपने ये सीजन में मतलब आप दोनों ने वहां घर ही बना लिया था जस्ट हम सिंपली रखे थे कि कैसे बैटिंग करना है किसको हमें हिट करना है और अभी क्या कर सकते हैं तो वही जस्ट सिंपल था कि हम कैसे स्ट्राइक रोटेट पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं फिर कब हमें फिनिश करना है वन लास्ट आप लोगों ने कोई तैयारी किया था जो सेलिब्रेशन इतना अच्छा हुआ डांस एंड प्रैक्टिस स्टेप्स एंड ऑल नहीं 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 वो सब कुछ से आ गए थे फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट